साथियों, मैं संदीप कटारा, वार्डन नागरिक सुरक्षा, आपको ज़िले में, शहर और गाँव में आग लगने पर नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के बारे में बता रहा हूँ। जिले में कलेक्ट्रेट में DQRT डिस्ट्रिक्ट क्विक रेस्पॉन्स टीम तैनात है, जो 24 घंटे तैनात रहती है। ज़िले से कहीं भी आग की सूचना प्राप्त होती है तो ये टीम वहां जाकर तुरंत से बचाव और आपदा का और आग बुझाने का कार्य शुरू करती है। ये किसी गांव से ईंधन जलने की सूचना प्राप्त हुई है, यहां पर DQRT टीम अपनी फायर ब्रिगेड के साथ आकर आग बुझाने का काम कर रही है। गर्मी के मौसम में तापमान अधिक बढ़ा होने के कारण गाँव में और शहरों में जगह जगह आग लगने की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। गांव में जो ईंधन होता है उसके आसपास जलती माचिस की तीली या बीड़ी सिगरेट के टुकड़े या घरों में जो चूल्हा जलाते हैं उसका जो कचरा होता है, जो गर्म कचरा जिसमें थोड़ी आग होती है, उसको लोग अपने कचरे के स्थान पर डाल जाते हैं। वहाँ पर जो ईंधन बिटोरे उपले आदि चीज़ें रखी होती हैं लकड़ी, उनमें धीरे धीरे आग पकड़ लेती है और एक बड़े क्षेत्र में आग लग जाती है। इसके लिए DQRT टीम पानी से अपने अलग अलग तरीके से आग को बुझाने का काम करती है। बड़े क्षेत्र में आग बुझाने के बाद टीम सुनिश्चित करती है कि कहीं छोटा मोटा कोई आग का चिंगारी कहीं पर रह ना गई हो। इसके लिए हॉज पाइप में अलग अलग मोड में, वो फाउंटेन मोड में, जेट मोड में, स्प्रे मोड में चला के सुनिश्चित करते हैं कि जरा भी कोई आग की चिंगारी या कहीं पे कोई सुलगती हुई आग ना रह जाए, जिससे दोबारा वो सुलग कर फिर से वो बड़ा रूप ले ले। हमें ज्वलनशील चीज़ों का खासकर गाँव में सही तरीके से निस्तारण करना चाहिए, जिससे कि वो किसी बड़े क्षेत्र में आग का रूप ना ले ले। गाँव में लोग साल भर का ईंधन अपना एक स्थान पर स्टोर करते हैं, वहीं पर वो अपने उपलों के लिए स्टोरेज यानी बिटोरा बना कर रखते हैं। आग लगने की संभावना इन्हीं स्थानों पर ज़्यादा होती है। आपने आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि गांव में झोंपड़ी में आग लग गई और सारा सामान राख हो गया। कई बार झोंपड़ी में सोते हुए लोग भी इसमें जल जाते हैं और जनहानि पशुहानि हो जाती है। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है कि हम आग का उचित तरीके से निस्तारण करें, कहीं पर जलती हुई आग या चिंगारी या कोई सुलगी हुई लकड़ियां ना छोड़ें, उनको प्रॉपर उनका निस्तारण करके उसको आग को बुझाकर पानी से तब जाकर उस कचरे को हम कहीं पर फेंकें। यदि कहीं पर आग लगने की सूचना मालूम चलती है या अपने सामने दिखाई देती है तो सबसे पहले पुलिस कंट्रोल रूम, ज़िले के फायर ब्रिगेड और नागरिक सुरक्षा की DQRT टीम को कलेक्ट्रेट के कंट्रोल रूम पर सूचित करें। ज़िलों में SDRF की टीम भी तैनात हैं, जिनके पास फायर ब्रिगेड की सुविधा है। भरतपुर में ऑयल डिपो के कारण यहाँ पर उन ऑयल डिपो द्वारा भी फायर ब्रिगेड की सुविधा प्रदान की जाती है। संबंधित एजेंसियों को सूचना देने के बाद आग को सामूहिक रूप से बुझाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर टीम के आने का इंतज़ार किया जाएगा तब तक आग विकराल रूप धारण कर लेगी और इससे ज़्यादा जनहानि धनहानि होने की आशंका रहती है। आग लगने पर सबसे पहले मानव श्रृंखला बनाकर निकट के पानी के सोर्स से, बाल्टियों से या ट्यूबवेल या कोई बोरिंग है उसको चालू करके आग वाले स्थान पर पानी का छिड़काव करके आग को रोकने का प्रयास करें। यदि कोई छप्पर में, मकान में या ईंधन के पास कोई पशुधन या इंसान है तो सबसे पहले उनका रेस्क्यू किया जाए। कोई भी आपदा होने पर या आग लगने पर शुरुआती आधा घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस बीच में जब तक टीमें रवाना होती हैं और घटनास्थल तक पहुंचती हैं तब तक सामूहिक रूप से ही आग बुझाने के प्रयास करने चाहिए। ईंधन जो सुरक्षित है उसको अलग करने की कोशिश की जानी चाहिए और जहां आग लगी है वहां पर पानी से पूरी तरह से उसको बुझाने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार शहरों में बड़ी बिल्डिंग्स और फैक्ट्री में फायर रेस्क्यू प्लान होता है, उसी तरह हमें गांव में जहां पर ईंधन का स्टोरेज, जंगल और इस तरह की चीज़ें, लकड़ियां हमने इकट्ठा करके रखी हैं, वहां पर हमें आकलन करना चाहिए कि यदि आग लगती है तो इसका बचाव और इस पर काबू किस प्रकार पाए जाएंगे।
पानी के जो निकटतम सोर्स हैं वहाँ पर हमें पानी की उपलब्धता रखनी चाहिए। इस प्रकार हमको मिलजुल कर प्रयास कर जनधन हानि को रोकना चाहिए। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट जरूर करें।